आदाब दोस्तों, मैं हूँ शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए, वो मुद्दा शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी से जुड़ा हुआ है। दरअसल वसीम रिजवी की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वसीम रिजवी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और अक्सर अपने बयानों को लेकर के विवादों में रहे हैं। पिछले दिनों में भी उन्होंने एक बयान ऐसा ही दिया था, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि वसीम रिजवी का पूरा मामला क्या है। दरअसल वसीम रिजवी पिछले दिनों दुबई से घूम करके लौटे थे और अब उन्हें बाकायदा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, फीवर आ रहा था। जो सभी लक्षण कोरोना के हैं, वो सारे लक्षण वसीम रिजवी में दिखाई दे रहे थे, जिसके चलते किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने उनका सैंपल ले लिया है। कोरोना की जांच चल रही है कि क्या उनको कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। अब बात करते हैं विवाद की। पिछले दिनों उन्होंने जब कोरोना का ये सिलसिला बढ़ा था देश के अंदर, तो वसीम रिजवी ने बयान दिया था कि यदि कोरोना के कारण मुस्लिम समाज के लोगों की मौत होती है, तो उनको ज़मीन में दफनाया ना जाए बल्कि उनको जलाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर महामारी फैलती है, तो वो शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से एक बाकायदा बैठक बुलाएंगे और ये फैसला करेंगे कि मुस्लिम समाज के लोगों को दफनाया ना जाए बल्कि जलाया जाए। अब वसीम रिजवी की खुद की तबीयत बिगड़ गई है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है उनको। आगे देखना ये होगा कि क्या उनके रिजल्ट्स आते हैं, कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है या फिर नेगेटिव आती है, और क्या ये दुबई से लेकर के आए हैं भारत के अंदर कोरोना को, और अगर ऐसा है तो क्या वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा। क्या वसीम रिजवी ने अपनी हिस्ट्री छिपाई थी, जो ट्रेवल हिस्ट्री थी उसको छिपाया था, क्या वसीम रिजवी ने प्रिकॉशंस नहीं लिए, ये कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी पहले कोरोना के रिजल्ट आ जाएं, उसके बाद पता चलेगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी इस मामले में। अभी तक का मामला ये है कि वसीम रिजवी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोरोना के पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रहेगा उसके लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय में ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।